अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो हम कैट कॉलेज पर का विजिट करेंगे। लेट्स सी। जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। हमने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बिल्डिंग देख ली है और हम अब जा रहे हैं इनके एकेडमिक बिल्डिंग देखने। वहाँ पे इनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं 8 to 12 तक। और मैं इसको एकेडमिक ब्लॉक आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ और चलते हैं इनका फ्रंट व्यू देखते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और ये है इसका फ्रंट व्यू, इसका डिज़ाइन अच्छा डिकोर किया हुआ इन्होंने और आप देख सकते हैं। एकेडमिक ब्लॉक हो गया और हम चलते हैं इसके हॉस्टल की, हम जा रहे हैं आपको विजिट करवाते हैं हॉस्टल की तरफ। यू नो वेरी वेल हॉस्टल लाइफ इज़ नॉट टू बी इजी फॉर द कैडेट स्टूडेंट बिकॉज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और ये जो सामने एरिया नज़र आ रहा है ये है हॉस्टल एरिया सारा और इसमें डिफरेंट हाउसेज हैं। और जो सामने हाउस नज़र आ रहा है ये है हैदर हाउस। और अब जो हम जा रहे हैं जो सेकेंड वन है वो है मबास जिना हाउस। और ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये है जिना हाउस। और लास्ट वन जो है इसमें होता है थर्ड वन है वो है हामिद हाउस। और हम आपको दिखाते हैं हामिद हाउस, ये हॉस्टल इंचार्ज हैं। चले हम आपको विजिट करवाते हैं हॉस्टल का। ये इनका हॉस्टल है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब चल रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई का चलते हैं उसके पास, उसका रूम विजिट करवाते हैं। ये है उसका रूम। और जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है कैडेट मेस। यहाँ पे हर क्लास के लिए स्पेसिफिक ब्लॉक बनाया गया है और इसका आपको इंटीरियर भी दिखाते हैं। लेट्स सी। जो सामने आपको नज़र आ रही है वो है इनकी मस्जिद और मस्जिद का आपको इंटीरियर भी दिखाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कुछ स्टूडेंट बैडमिंटन खेल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद आपको दिखाते हैं इनका बास्केटबॉल एरिया। और ये इनका बास्केटबॉल ग्राउंड है। इसके बाद आपको दिखाते हैं फुटबॉल ग्राउंड। और ये इनका फुटबॉल ग्राउंड है और कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे हैं फुटबॉल। और ये है इनका ट्रेनिंग एरिया। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि ट्रेनिंग एरिया कंपलसरी होता है फॉर कैडेट स्टूडेंट्स के लिए, उनकी बॉडी फिटनेस के लिए, बॉडी को मेनटेन करना। और ये इसका है ट्रेनिंग एरिया। मेरा भाई है और इससे हम पूछते हैं कैडेट की लाइफ इसकी कैसे जा रही है। पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाओ अपना और फिर बताओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मैंने मैं कैडेट कॉलेज के शुरू में पढ़ता हूँ। यहाँ पे पहले शुरू में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन घर में था एक स्कूल में मैं जाता था, जाना घर आया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल में रहना पड़ता था तो शुरू में नहीं लगा दिला। फिर भी मैथ्स वगैरह कैसा है आपका? अच्छा, कैसे जा रही है स्टडी के लिहाज से? फाइनली मैंने अपने भाई को पिक कर लिया है और अब हम चलते हैं घर। और ये गार्ड अंकल से पहले अपना आईडी कार्ड ले लें और फिर हम घर की तरफ चलते हैं।
फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और मेरा व्लॉग यही ख़त्म होता है। अगर मज़ा आया तो वेट करें फॉर नेक्स्ट व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।